नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी शिवस्थान थावे गोपालगंज बिहार से एक और नई औषधीय प्लांट्स लेके आया हूँ। जो कि ये नई औषधीय प्लांट्स है जिसका नाम है पुदीना। देखिए ये पुदीना है, देख रहे हैं, देखिए इसका पत्ता, ये धूप में लगा हुआ है जो कि ये सूख भी गया है। इसका जो औषधीय गुण है बहुत ही लाभकारी औषधि है। ये खुशबूदार भी औषधि है। ये जो औषधीय प्लांट्स देख रहे हैं जो कि पुदीना है, ये बहुत ही खुशबूदार प्लांट्स है। ये 12 मास अर्थात सालों भर जो है ये आपको उगता है। जितना ठंडी जगह पर इसको लगाया जाएगा उतना ही ये आसानी से लग जाएगा। और ये लगाने का तरीका बता रहे हैं, ये जो डाल देख रहे हैं इसको तोड़ लेने के बाद से जो है इसे डाल कुछ हिस्सा जो है धरती के अंदर रख के अगर उसको लगा दिया जाएगा तो लग जाएगा। ये जो है आपको पुदीना है, इसको हिंदी में पुदीना कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मिंट कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मेंथा अरवेंसिस के नाम से जाना जाता है। ये जो मेंथा अरवेंसिस जो वैज्ञानिक नाम है, ये बहुत ही कारगर औषधि है। ये शरीर में नई ऊर्जा प्रदान करती है। ये जो देख रहे हैं, ये जो पुदीना देख रहे हैं, इसको 3 से 4 पत्ता ले करके इसको उबाल करके काला नमक के साथ अगर इसको लिया जाए तो ये शरीर में नई ऊर्जा प्रदान करता है। यही नहीं, अगर शरीर में कहीं घाव चोट लग गया है तो उस स्थान पे इस जो पुदीना प्लांट्स है इसको लेकर के उस चोट वाले घाव वाले स्थान पर लगा दिया जाएगा तो उसमें आराम मिलेगा। यही नहीं, चर्म रोग में भी जो है ये औषधि बहुत ही कारगर औषधि है। आपको पेट के लिए जो है ये पुदीना अमृत तुल्य औषधि है, रामबाण औषधि है। किसी भी प्रकार का परेशानी हो, काहे ना हो, पेट में दर्द हो, पेट से उल्टी हो रही है, कब्ज की शिकायत हो, लूज मोशन हो रहा हो, ये हर प्रकार के पेट से संबंधित किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो उसमें जो है आपको पुदीना बहुत ही कारगर औषधि है, लाभकारी औषधि है, रामबाण औषधि है। पेट के कीड़ी के लिए भी जो है औषधि जो है बहुत ही कारगर औषधि है। 2 से 4 पत्ते जो है इस पुदीने के पत्ते को सेवन करेंगे तो काफ़ी लाभकारी औषधि है। इसको जो है शौकीन लोग जो है इसका बहुत ही चटनी बना के लोग खाते हैं, जो कि पुदीना लहसुन नमक एवं अदरक मिला करके चटनी बना करके इसको चटनी के रूप में सेवन करते हैं। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी शिवस्थान थावे गोपालगंज बिहार से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें और ये जो बता रहे हैं उसका आप लोग सेवन करें, इसका लाभ उठाएं। पुदीना जो है इसके अलावा सर्दी खांसी बुखार में जो है पुदीना काली मिर्च एवं नमक को मिला करके इसका चटनी के रूप में सेवन करें या उसको एक चौथाई जितना भी पानी ले उसको एक चौथाई उसको जला ले, एक चौथाई बच जाएगा तो उसको सेवन करें। ये जो आप पुदीना देख रहे हैं काफ़ी लाभकारी औषधि है, कारगर औषधि है, देख रहे हैं, यही है, ध्यान से देखिए ये पुदीना है। ये आपको एलोपैथ में जो है पुदीनहारा के नाम से आता है, इसी पुदीना प्लांट्स के द्वारा जो है पुदीनहारा जो टेबलेट आता है वो इसी पुदीना से बनता है। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें, एक दूसरे को जो है शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये इतना लाभकारी औषधि है, इतना लाभकारी औषधि है कि हद से अधिक, खास करके पेट में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो,
पेट में दर्द हो, लूज मोशन हो रहा हो, अगर मुंह से दुर्गंध आ रहा हो उसमें भी काम आएगा, आपको लूज मोशन हो रहा हो। एक बात और नहीं बता देना चाहता हूँ, अगर कोई औरत डिलीवरी रह जाता है उसके बावजूद उनको उल्टी होता है तो उसमें जो है ये पुदीनहरा काफ़ी लाभकारी औषधि है, कारगर औषधि है। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब तथा बेल घंटे को सजा दें। बस मैं इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। ओके।